भाजपा सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को कर रही साकार संदीप सिंह। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन। सुल्तानपुर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती जिले भर में पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता के रूप में मनाई गई। जिला मुख्यालय स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित विचार संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने संबोधित किया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिले के 2172 बूथों पर व 26 मंडलों में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित विचार संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार पहुंचने पर जिला गाइड कैप्टन ज्योति सिंह के नेतृत्व में घोष टीम एवं कलर पार्टी द्वारा स्वागत किया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने भारत की प्रगति में अमृत योगदान दिया है। यह हमारे लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। क्या उत्तर प्रदेश में भी इसकी जरूरत है? देखिए, सरकारी जाति जनगणना जो है समय समय पे की जाती है और जब हर 10 वर्ष के बाद में इसको किया जाता है तो मुझे लगता है कि सरकारी एक प्रक्रिया है, इसकी जब आवश्यकता होगी तो उसको पूरा किया जाएगा। सर, बेसिक शिक्षा का दायित्व तो आपको मिला है, तो अभी क्या सुधार की उम्मीद है, किस तरह के कार्यक्रम अपनाएंगे इस योगी टोपी सरकार? देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग, ये विभाग मेरे पास पहले भी था और मुझे एक बार फिर से अवसर मिला है कि इस विभाग से जुड़ने का। हमारा प्रयास रहेगा कि 2 वर्ष तक हमारे सारे विद्यालय बंद थे, कोरोना काल का सामना हम सब लोगों ने देखा। अब सारे विद्यालय खुले हैं तो हमारा प्रयास है कि बच्चों तक जो मूलभूत सुविधाएँ हमको पहुँचाने के लिए सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी, हम हर एक बच्चे तक सारी मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाएँ। बच्चों तक जूते, मोजे, कॉपी, किताब, बैग्स, हर एक व्यवस्था पहुंचे। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जिस तरह से हमारे स्कूल की आज तस्वीर बदलने का काम हमारी योगी जी की सरकार में किया गया, इसका इन कार्यों को भी आगे लेकर के जाएं। अभी हमारा कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का भी चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब अधिक से अधिक, एक अभियान के माध्यम से जितने भी बच्चे इस स्कूल की व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी आउट ऑफ द स्कूल बच्चों को स्कूल की व्यवस्था से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस योगी 2.0 में जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में अपने अपने बेसिक शिक्षा के विभाग को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के गए और इन विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। सर, निजी स्कूलों को अभी शासन ने 30% फीस बढ़ाने की मांग की है, तो इससे आपको नहीं लगता कि कोरोना के संकट से की मार झेल रहे अभिभावकों पर इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, नियमानुसार इस पर संज्ञान में है और इस पर अगर उचित होगा तो इस पर कोई और एक्शन लेते हुए अगर जिस भी तरह की आवश्यकता होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, योगी सरकार वो फरमान आया है कि जो प्राइवेट स्कूल है किताबें और उसको लेकर ना बेच, पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी के पास सरकार का केवल इतना कहना है कि जो पेरेंट्स हैं वो बाध्य नहीं होनी चाहिए कि अगर स्कूल केवल एक ही शॉप को बता दे, एक ही दुकान बता दे कि आपको अगर सामान लेना है तो यहीं से लेना है। पेरेंट्स बाध्य नहीं होने चाहिए, वे अपने बच्चों के लिए जहाँ से भी अपने स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए सामान लेना चाहते हैं वहाँ से सामान लें। सरकार किसी को लिए रोक नहीं रही है कि